नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। फल, दूध और सब्जियों के रेट आसमान छू रहे हैं, पेट्रोल और डीजल की कीमतें पसीना छुटा रही हैं, किसान सरकार की नीतियों से परेशान है। ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने कल जोरदार प्रदर्शन किया। दिल्ली में हुए इस प्रदर्शन में सैकड़ों की संख्या में दिल्ली कांग्रेस कार्यकर्ता, प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, विधायक और पूर्व मंत्रियों ने हिस्सा लिया। देखिए ये रिपोर्ट। अरविंद केजरीवाल इतना झूठा आदमी है, जो 1000 बिजली यहाँ मुफ्त नहीं दे रहा, वो जाके ये कह रहा है पंजाब में और उत्तराखंड में कि हम मुफ्त बिजली देंगे। ये सब झूठी है, ये झूठ बोल रहा है और इन्होंने झूठ को बोलकर ही सरकार बनाई है। मैम, जो दिखा रहा है, जो दिख रहा है ना, वो जमीन पर नहीं है। आप देखिए कि स्कूलों में क्या मिल रहा है। पहले बच्चों को मिड डे मील मिल रहा था, मिड डे मील में जाकर देखिए कि बच्चों को क्या मिल रहा है। बच्चों को खाने में अगर चेक करवा लिया ना, तो उसमें कीड़े और मकोड़े मिलते हैं खाने में, मिड डे मील के नाम पे, और जिसमें करोड़ों के ठेके छुपते हैं। तो ये इसके मंत्री और अरविंद केजरीवाल ये खा रहे हैं। इन्होंने पैसे लिए हैं अधिकारियों के माध्यम से और अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, कार्यकर्ताओं के माध्यम से। इन्होंने कोरोना टाइम में भी पैसे कमाए हैं। अगर किसान लड़ते नहीं, एकजुट नहीं होते तो नहीं जीतते। आप इसमें अगर मोदी की जीत कहते हैं तो मोदी की जीत नहीं है, ये किसानों की जीत है, ये आम आदमी की जीत है। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि रसोई घर में कर्फ्यू लग गया है। सदन के अंदर और सदन के बाहर महंगाई को लेकर कांग्रेस का आंदोलन छिड़ा हुआ है। दिल्ली में कांग्रेस की एक बड़ी महंगाई हटाओ रैली होनी थी, लेकिन सरकार को लगा इससे मुसीबत खड़ी हो जाएगी। इस दौरान कांग्रेस ने महंगाई के मुद्दे के अलावा दिल्ली में महिला सुरक्षा, किसान आदि मुद्दों को उठाकर सरकारों को घेरने की कोशिश की। कांग्रेस की तरफ से प्रोटेस्ट हो रहा है महंगाई को लेकर। अभी आप सब जान सकते, देख सकते हैं कि अभी अभी मोदी जी ने ऐलान करे हैं कमर्शियल सिलेंडर महंगे कर दिए हैं, रिचार्ज महंगा कर दिया है। जो अभी तक हमारे देश में जो मोबाइल डेटा था सबसे सस्ता था, अब उसको भी महंगा कर दिया गया है। कमर तोड़ दी गई एक आम आदमी की। एक आदमी, एक नौजवान जो जिसको रोज़गार चाहिए, वो तो रोज़गार मिल नहीं रहा है। ऊपर से आप तोहफे में, नए साल का आने वाले टाइम पे आप महंगाई को तोहफे में दे रहे हो। दरअसल इससे पहले कांग्रेस केंद्र सरकार को घेरने के लिए द्वारका स्थित मैदान में एक बड़ी रैली आयोजित करने की योजना बना रही थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इजाज़त नहीं दी। इस मसले पर कांग्रेस ने कहा सरकार का डर है जो कांग्रेस को रैली नहीं करने दी, लेकिन कांग्रेस आम जनता की आवाज उठाएगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।